नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन इंडिया वेब हैकिंग के ट्यूटोरियल में। दोस्तों, लास्ट वीडियो हमने देखा था कि किस तरीके से प्रेजिस्टेंस या स्टोर्ड अटैक को किया जाता है XSS में। एक्चुअली XSS या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को तीन तरह के अटैक में डिवाइड किया जाता है। थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अटैक होते हैं, तीन टाइप्स के। तो उसमें प्रेजिस्टेंस या स्टोर्ड अटैक जिसे हम कहते हैं, दूसरा नॉन प्रेजिस्टेंस जिसे हम रिफ्लेक्ट अटैक कहते हैं, तीसरा होता है डोम बेस्ड। तो जो हमने देखा था, सबसे पहले प्रेजिस्टेंस अटैक देखा था, जिसमें हमने एक वेबसाइट की लिंक ओपन की थी एक वल्नरेबल वेबसाइट पर। वल्नरेबल वेबसाइट के रूप में हमने DBWA का यूज़ किया था, और एक मैसेज जो बार बार किसी यूज़र को शो कर रहा था यू आर हैक्ड, उसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन देखा था। एक्चुअली प्रेजिस्टेंस या स्टोर्ड अटैक जो वो होता है जिसमें अटैक स्टोर्ड हो जाता है वेबसाइट के सर्वर पर। इसलिए जो भी अटैकर जो भी मेलिशियस स्क्रिप्टिंग वगैरह जो भी यूज़ करता है, जो भी कोडिंग वेबसाइट पर डालते हैं, तो वो बार बार विक्टिम्स को उनके ब्राउज़र के द्वारा शो की जाती है, वेबसाइट्स पर बार बार शो की जाती है। तो ये प्रेजिस्टेंस या स्टोर्ड अटैक कहलाता है। नॉन प्रेजिस्टेंस की हम जहाँ तक बात करते हैं, तो यूज़र हैज़ गो टू स्पेशल लिंक टू बी एक्सपोज, एक स्पेशल लिंक्स पर जाते हैं। और एक अगर आपको किसी वेबसाइट पर ये देखना हो ये अलर्ट यूज़ होता है या नहीं होता है नॉन प्रेजिस्टेंस XSS स्क्रिप्ट का, तो उसके लिए जिस स्क्रिप्ट को यूज़ करना होता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं हम। स्क्रिप्ट को हम, जिन यूज़र्स को जावास्क्रिप्ट वगैरह का बेहतर नॉलेज है, जितना दोस्तों हमारा बार बार ये कहना है कि जितना हो सके उतना रीड करें, समझें, बुक्स का कलेक्शंस करें जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वगैरह पर, PHP को पढ़ें, PHP की बुक्स वगैरह पढ़ें। जिन यूज़र्स के पास डिस्टेंस लर्निंग किट है, तो उनके वो ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को का स्टोर कर चुके हैं, तो प्लीज़ उनका यूज़ करें। और जिनके पास नहीं है, परचेस करें ताकि सीख सकें एक्चुअली जावास्क्रिप्ट वगैरह क्या होता है, लैंग्वेजेस सीखें, पर्ल, सी वगैरह, ये सब काफ़ी यूज़ होती हैं जावास्क्रिप्ट पर्ल स्क्रिप्टिंग के लिए। तो बेहतर होगा इन्हें सीखें, PHP पर अपना एक अच्छा, अपनी एक अच्छी पकड़ बना के रखें। तो स्क्रिप्ट की हम जहाँ तक बात करते हैं, तो अगर नॉन प्रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो नॉन प्रेजिस्टेंस के लिए जस्ट यूज़र द्वारा जो इनपुट करवाया जाता है किसी वेबसाइट में, वहाँ उस स्क्रिप्ट को इंटर करना, ऑब्वियसली जावा स्क्रिप्ट को। तो आइए इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल, एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन देखते हैं नॉन प्रेजिस्टेंस का। उसके बाद वापस अपने ट्यूटोरियल पर बैक, नेक्स्ट वीडियो में बैक अपने ट्यूटोरियल पर चलेंगे जो हम यूज़ कर रहे थे। चलिए देखते हैं, यहाँ ब्राउज़र ओपन करते हैं। नॉर्मली जैसा हमने ओपन किया था, लोकल होस्ट टाइप करेंगे या 127.0.0.1, देन ओके। आप देख सकते हैं DBW 1.0.8, इसे ओपन करते हैं। ये ओपन हो चुका है, और ओपन होने के बाद सिक्योरिटी लेवल देखते हैं। यहाँ लो किया हुआ है, लो करके सबमिट कर देते हैं। सेटअप देख लेते हैं, अगर चाहे तो सेटअप को रीसेट कर सकते हैं, रीसेट हो चुका है। DBW का सिक्योरिटी लेवल देखते हैं, लो है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं इसे, एडमिन से इंटर हुए हैं, लो है, ओके। XSS स्टोर्ड हम देख चुके हैं, आइए देखते हैं XSS रिफ्लेक्टेड अटैक को किस तरह कर सकते हैं। व्हाट्स योर नेम, यहाँ पर नाम पूछ रहा है, यूज़र को इनपुट करना अपना नेम वगैरह। अटैकर यहीं पर अपनी स्क्रिप्ट को इंसर्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट में। मान लीजिए ये वो वल्नरेबल वेबसाइट है जिसमें वल्नरेबिलिटी है रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की, और अटैकर इसमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करता है, तो बार बार वो मैसेज शो करेगा उन यूज़र्स को जो इस वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जस्ट आपको वो स्क्रिप्ट यहाँ ऐड करनी है, ताकि यह देखिए यहाँ पेस्ट किया, आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट एलर्ट XSS स्क्रिप्ट। आप इसे XSS को हम चेंज करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं यू और हैक्ड,
सबमिट करते हैं। ये देखिए पॉपअप मेनू आता है, यू आर हैक्ड। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रिप्ट चेंज हो चुका है। यूआरएल बार को देखें ध्यान से तो स्क्रिप्ट अलर्ट यू आर हैक्ड %2 फॉल्स एफ स्क्रिप्ट हैश। तो इस तरीके से वल्नरेबिलिटीज काम करते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्ट, जो भी यूज़र ब्राउज़र यूज़ करता है ब्राउज़र के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू। तो अवेयर रहें, देखें। नेक्स्ट वीडियो हम अपनी बाकी की वल्नरेबिलिटीज को चेक करेंगे जो हमने देखी थी वेबसाइट्स के थ्रू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी की वल्नरेबिलिटीज़ पर हम ध्यान देंगे। हमने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग देख लिया है, हमने पैरामीटर टेम्पटिंग देख लिया है, आगे बढ़ेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन, डीडॉस अटैक और डॉस अटैक। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।